हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब। बहुत टाइम बाद आई हूँ मैं ऑनलाइन और आप लोगों से मिल रही हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने कहा था मैं रेगुलर होने वाली हूँ बट मैं नहीं हो पाई किसी वजह से। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई प्रोमिस मैं अब आगे रेगुलर होने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी लॉगिन करने वाली हूँ भी डेली रेगुलर बेस पे। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आज मैं अपना इंट्रोडक्शन वीडियो एक तरह से ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ इसलिए। दूसरा दोस्तों, मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं जो है मतलब दिल्ली से बैंगलोर शिफ्ट हो गई, और बैंगलोर में क्योंकि मेरी जॉब हो गई है तो मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए था यहाँ पर मतलब बेसिकली एडजस्ट होने के लिए। और जो मैं हो चुकी हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 6 मंथ हो गए। तो दोस्तों, मैं जो है इस बार आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है बैंगलोर हमारा जो है साउथ है, और मैं जो थी वो दिल्ली में थी जो हमारा नॉर्थ था। और नॉर्थ से साउथ का क्या कल्चर डिफरेंस होता है, क्या क्या चीज़ें बहुत फनी होती है, क्या क्या चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, क्या चीज़ें हमें प्रॉब्लम होती है, क्या चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमको ईजीली अवेलेबल होती है, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती ही नहीं है। इवन दिस इज इंडिया ओनली, इवन देन यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसी भी होती है जो हमें मिलती ही नहीं है। और आप सोचोगे कि हाँ ऐसा भी होता है क्या। एनीवेज, तो फिर वन बाय वन मैं आपको शेयर करूँगी। स्टे ट्यून, मेरे को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर जाना चाहते हो कि लोगों को बाहर आकर, बैंगलोर आकर या किसी भी नई स्टेट में जाकर उनको क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, और कैसे कैसे उनको क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ ईजीली अवेलेबल होती हैं। तो स्टे ट्यून, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना, और मैं अब रेगुलर आने वाली हूँ।